खेल की छुट्टी में आपके साथ क्या परेशानी होती है? गड्ढा है ना, से ठीक से नहीं खेल पाते हैं। और इसमें पानी है। आपके साथ कोई घटना हुआ है इस पानी से? हाँ। क्या हुआ है? चल गया है, गिर गए पानी में तो चल निकाला। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार हर एक विद्यालय में खेल का मैदान होना भी अनिवार्य है, लेकिन राजकीय प्राथमिक विद्यालय चंदौली पश्चिमी में, जो ग्राम चंदौली प्रखंड बंद्रा जिला मुजफ्फरपुर में स्थित है, यहां पर खेल का मैदान तो है, लेकिन खेल के मैदान में काफ़ी गड्ढे पड़े हैं जिसमें अक्सर बच्चे का पैर फंस जाता है और गिर जाते हैं। खेल के मैदान में यहाँ गड्ढा है, उसके बगल में तालाब है। इस तालाब से कोई हादसा हुआ है क्या? हाँ। क्या हादसा हुआ है? एक दिन हम खेल रहे थे, तब गेंद पानी में चली गई, लाने गई तो पैर फिसल गई, तब सर मुझे बचा लिया। जब से यह हादसा हुआ है आप ठीक से खेल पाते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ तालाब है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि यहाँ बाउंड्री एक दीवार घेरा और मिट्टी भरा जाना चाहिए। तो बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है बच्चे के पास, वो फील्ड में अभी तक मिट्टीकरण ठीक से नहीं हुआ, तो हम लोगों का जो विकास का पैसा आता है वो स्कूल के अंदर ही लग जाता है चुनाव धुनाई में, लेकिन उसके लिए कोई मिट्टीकरण का आज कल कोई पंचायती राज से नहीं किया गया। जो कितनी बार मांग की है, कोई देखने वाला नहीं है, ना विधायक है, ना कोई मुखिया, ना कोई प्रमुख, कोई प्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि कुछ नहीं करते हैं। और लगभग 5-7 साल से इसी तरह से फील्ड में जो है गड्ढा है और बच्चे को बहुत कठिनाई हो रही है, उसको रफाई करना पड़ता है, 2-3 महीना पानी भी रहता है इसमें ऐसा है। इस तालाब से अगर कोई घटना हो गया तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? इसलिए हम चाहते हैं कि इस विद्यालय के पुराने गिरे हुए भवन को तोड़कर नया भवन बनाया जाए एवं 4 दीवारी कर खेल के मैदान में मिट्टी भरा जाए, ताकि पुष्पांजय जैसे गरीब और होनहार छात्र भी पढ़ लिख कर कुछ करे। इसके लिए आप वीडियो देखने वाले दर्शकों से मेरा निवेदन है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विनोद कुमार झा को मोबाइल नंबर 99 39 080 449 पर फ़ोन कर दबाव बनाए, ताकि जल्द से जल्द इस विद्यालय के बुनियादी ढांचा को सही किया जाए। मैं हूं सुनील कुमार, ग्राम चंदौली प्रखंड बंद्रा जिला मुजफ्फरपुर बिहार से, इंडिया अनहर्ड के लिए।